प्रिय विद्यार्थियों, इस समय देख रहे हैं आप स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल कक्षा सातवीं का गणित अध्याय दो भिन्न एवं दशमलव के उदाहरणों के हल देख रहे हैं। हम उदाहरण नंबर ले रहे हैं हम चार। सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय लगाती है? तो यहां पर देखें टोटल कितना पढ़ रही है सुमन, 5 सही 2/3 घंटे है। तो पढ़ाई का समय, कुल समय, पढ़ाई का कुल समय, पढ़ाई का कुल समय कितना हो गया? 5 सही 2/3 घंटे है। ये मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं आती, ये मैं पेन पैड का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए वहां पर लिखने में दिक्कत होती है। अब ये हो गया पढ़ाई का कुल समय कितना होगा, 5 सही 2/3 घंटे। अब इस समय में से क्या करती है? विज्ञान और गणित, यहां लिखता हूं विज्ञान और गणित का समय, विज्ञान धन गणित की पढ़ाई का समय, तो यहां पढ़ाई नहीं लिख रहा हूं, का समय कितना हो गया? ये 2 सही 4/5 घंटे, 2 सही 4/5 घंटे। अब दूसरे विषयों के लिए वो कितना समय निकालती है? तो देखो दूसरे विषय के लिए समय, दूसरे विषयों के लिए समय, यह समय अपनों को ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं साधारण रीति से, उसके बाद अपन गणित की रीति से करेंगे। देखो पढ़ाई का कुल समय कितना होगा, 5 सही 2/3 घंटे है। तो 5 घंटे तो हो गया पूरे, ठीक है, 5 घंटे पूरे हुए। 2/3 घंटे का मतलब क्या है? घंटे के 3 भाग करो, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 3 भाग करेंगे तो कितना होगा? 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, ये 3 भाग कर दिए। अब 3 भाग में से कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, ये 2 भाग है, मतलब कितने हो गए? 40 मिनट। तो 5 घंटे और 40 मिनट ये पढ़ाई का कुल समय है। अब हम इधर देखें विज्ञान और गणित का समय कितना है, 2 सही 4/5 घंटे हैं। तो ये क्या हो गया? 2 घंटे तो पूरे हैं, 2 घंटे पूरे हैं। 4/5 घंटे मतलब घंटे के कितने भाग करो? 5 करो, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 में 5 का भाग लगाओ, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 मिनट। तो 1 भाग किसके बराबर हो गया? 12 मिनट। और ऐसे कितने भाग है? 4 भाग है, तो 12 चौक कितना हो गया? 48। तो यहां हो गया 48 मिनट, ये हो गया 48 मिनट। अब यहीं से आप देख लो कि विज्ञान और गणित की पढ़ाई का समय या उसमें पढ़ने में कितना समय लग जाता है? 2 घंटे 48 मिनट। और टोटल पढ़ाई का समय कितना है? 5 घंटे 40 मिनट। तो 5 घंटे 40 मिनट में से 2 घंटे 48 मिनट घटा दें तो वो दूसरे विषयों को पढ़ने का समय निकल आएगा। तो यहां घटा के देखते हैं क्या आता है, तो ये 5 घंटे है और ये है 40 मिनट, 40 मिनट। इसमें से क्या घटाना है? 2 घंटे 48 मिनट घटाना है, 2 घंटे और 48 मिनट ये घटाना है हमको। तो ये समय जो घटाने के बाद जो समय बचेगा वो क्या आएगा? अन्य विषयों को पढ़ने का समय। अब यहां पर सीधा देखें अमन, 40 मिनट में से 48 मिनट घटेंगे नहीं कभी भी, तो यहां क्या करेंगे? इधर से 1 घंटा उधार लेंगे, 1 घंटा यहां उधार लेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 और 40 कितने हो गए? 100, ये हो गए 100 मिनट। तो यहां पर 1 घंटा उधार ले लिए तो ये घंटे कितने बचे? यहां पर 4 घंटे बचे। अब 100 मिनट में से 48 मिनट घटा दें कितने आएंगे? 48 और 2 होते 50, फिर 50 और उधर, तो टोटल बचते हैं कितने हैं अपने पास? 52 मिनट बच गए, ठीक है, 52 मिनट बचे। और इधर क्या हो गया? 4 में से 2 गए तो 2 घंटे मिनट, 2 घंटे और 52 मिनट, ये 52 मिनट हो गया। अब यहां पर इस मिनट को अपन क्या करेंगे? घंटे में बदलेंगे, तो यहां पर लिखा हमने 52/60, क्योंकि 52 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको काट के देखो क्या होता है, 4 से काटेंगे इसको भी, इसको भी, तो 4 से मतलब 13 चौक 52, 13 बार कटा, और 4 को इसको काटेंगे तो 15 बार, 15 चौक 60, तो 13/15। तो यहां पर मान क्या हो जाएगा? 2 घंटे
धन 13/15 मिनट, 13/15 मिनट, तो ये मान आ जाएगा 2 घंटे और 13/15 मिनट, ये मान आ गया। किसका मान आ गया? ये दूसरे विषय का समय निकालने का। अब अपन गणित की रीति से करें इसको, तो पढ़ाई के कुल समय में से विज्ञान और गणित के पढ़ने का समय घटा देंगे, तो पढ़ाई का कुल समय कितना है? देखो ये दूसरे विषयों का समय आप निकाल रहे हैं, अपन कुल समय है 5 से ही 2/3 घंटे, मतलब 3 5 15, 15 और 2 17, 17/3। फिर से देख लें, 3 5 15 और 2 17, 17/3 घंटे में से घटाएंगे क्या अपन? 2 सही 4/5, मतलब 5 2 10, 10 और 4 14, 14/5 घटाएंगे। अब घटाने में क्या है, इधर 3 है इधर 5 है, तो लघुत्तम क्या ले लेंगे? बड़े अंक में छोटे अंक का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 5 का डबल करा 10, 10 में मिल जाता है, 5 का 3 गुना 15, 15 में 3 का भाग चले जाए कितनी बार? 5 बार, ये लघुत्तम आ गया 15। ठीक है, 15 में 3 का भाग दिया, 5 बार गया, तो 3 5 15 5 बार गए, 5 का 17 में गुणा करो, तो 17 5 85, ऋण 15 में 5 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 का 14 में गुणा करा, तो 14 3 42। अब यहां पर देखो मान क्या आया, 5 में से 2 गए, 2 2 अंक है, इसलिए 5 में 2 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 4/15। अब 43 में 15 का भाग दो, तो कितना बार जाएगा? 15 2 30, 15 3 45, ज्यादा हो जाते हैं, तो 15 2 30। अब 43 में से 30 गए तो 13 बचे, 13/15, ये क्या हो गया? घंटे दूसरे विषयों को पढ़ने का समय। देखो यहां पर भी अपना मान वही आया, 2 घंटे धन 13/15 मिनट, मतलब ये 13/15 घंटे होंगे, है क्योंकि ये 52 मिनट को अपने क्या करा था, घंटे में बदल दिया था, 52 में 60 का भाग दे दिया था, तो 2 घंटे धन 13/15 घंटे, तो ये कैसे लिखे? 2 सही 13/15, ये आया 2 सही 13/15। सही का मतलब यहां पर आता है धन का चिन्ह, तो यहां अपना मान निकल गया कि अन्य विषयों को या दूसरे विषयों को पढ़ने का समय कितना होता है, सुमन कितना समय लेती है? 2 सही 13/15 घंटे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।